शिक्षा पाठ 63 भाग 3 जो जे स्थिति हमणा मारी आप जुओ छो तेवी स्थिति लक्ष्मी कुटुंब अने स्त्री संबंध में आगळ पण हती। जे वक्तनी हूँ बात करूँ छूँ ते वक्त ने लगभग 20 वर्ष थया। व्यापार अने वैभवनी बोड़ास ए सगड़ो वहीवट अवड़ो पड़वाथी घटवा माँडू। कोट्यावधि कहवा तो हूँ उपरा उपरी खोटना भार वहन करवाथी लक्ष्मी वगरनो मात्र 3 वर्ष में थई पड़ो। ज्यां केवल सवड़ू धारीने नाखू हतुं त्यां अवड़ू पड़ो। एवामां मारी स्त्री पण गुजरी गई। ते वखतमां मने काई संतान नहोतुं। जबरी खोटो ने लीधे मारे अहींथी निकळी जवुं पड़्युं। मारा कुटुंबीओए थती रक्षा करी परंतु ते आप फाट्यानुं ठीकड़ू हतुं। अन्ने अने दातने वेर थवानी स्थितिए हूँ बहु आगळ निकळी पड़्यो। ज्यारे हूँ त्यांथी निकळ्यो त्यारे मारा कुटुंबीओ मने रोकी राखवा माँड्या कि ते गामनो दरवाजो पण दीठो नथी माटे तने जवा दई शकाय नहीं। तारू कोमळ शरीर कंई पण करी शके नहीं ने तू त्यां जा ने सुखी था तो पछी आवे पण नहीं माटे ए विचार तारे मांडी वाळवो। घणा प्रकारथी तेओने समझावी सारी स्थितिमां आवीश तारे अवश्य अहीं आवीश एम वचन दई जावा बंदर हूँ पर्यटने निकळी पड्यो। प्रारब्ध पाछा वळवानी तैयारी थई। दैव योगे मारी कने एक दमणी पण रही नहोती। एक के बे महीना उदर पोषण चाले तेवुं साधन रह्युं नहोतुं छतां जावामां हूँ गयो। त्यां मारी बुद्धिए प्रारब्ध खीलव्या। जे वाणमां हूँ बैठो हतो ते वाणना नाविके मारी चंचलता ने नम्रता जोईने पोताना शेठ आगळ मारा दुखनी वात करी। ते शेठे मने बोलावी अमुक काममां गोठव्यो जेमां हूँ मारा पोषणथी चोघणुं पैदा करतो हतो। ए वेपारमां मारुं चित्त ज्यारे स्थिर थयुं त्यारे भारत साथे ए वेपार वधारवा मैं प्रयत्न कर्यो ने तेमां फाव्यो। 2 वर्षमां 5 लाख जेटली कमाई थई। पछी शेठ पासेथी राजी खुशीथी आज्ञा लई मैं केटलोक माल खरीदी द्वारिका भणी आवानुं कर्युं। थोड़े काळे त्यां आवी पहोंच्यो तरे बहु लोक सन्मान आपवा मने सामा आव्या हता। हूँ मारा कुटुंबीओने आनंद भावते जई मळ्यो। तेओ मारा भाग्यनी प्रशंसा करवा लाग्या। जावेथी लीधेला माले मने 1 ના 5 कराव्या। पंडित जी त्यां केटलाक प्रकारथी मारे पाप करवा पड्या हता। पूरू खावा पण हूँ पाम्यो नहोतो परंतु एक वार लक्ष्मी साध्य करवानो जे प्रतिज्ञा भाव कर्यो हतो ते प्रारब्ध योगथी पड्यो। जे दुखदायक स्थितिमां हूँ हतो ते दुखमां शुं खामी हती। स्त्री पुत्र ए तो जाणे नहोता ज। माँ बाप आगळथी परलोक पाम्या हता। कुटुंबीओना वियोग वडे અને વિના દમડીએ જાવે જે વખતે હું ગયો તે વખતની સ્થિતિ અજ્ઞાન દ્રષ્ટિથી આંખમાં આંસુ આણી દે તેવી છે। આ વખતે પણ ધર્મમાં લક્ષ્ય રાખ્યું હતું। દિવસનો અમુક ભાગ તેમાં રોકતો હતો। તે લક્ષ્મી કે એવી લાલચે નહીં પરંતુ સંસાર દુઃખથી એ તારનાર સાધન છે એમ ગણીને મોતનો ભય ક્ષણ પણ દૂર નથી માટે એ કર્તવ્ય જેમ બને તેમ કરી લેવું એ મારી મુખ્ય નીતિ હતી। દુરાચારથી કાંઈ સુખ નથી મનની તૃપ્તિ નથી ને આત્માની મલિનતા છે એ તત્વ ભણી મેં મારું લક્ષ્ય દોરેલું હતું।